नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। से मैं आपको बता दें कि करनाल के जिला सचिवालय में मौजूद है और तमाम जो कर्मचारी है यहाँ पर पहुंचे हुए, इनसे बातचीत करेंगे कि कौन से कर्मचारी है, क्या कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जी सर, क्या कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे और कौन से कर्मचारी हो? मैं गाँव के चौकीदार हूँ, ग्रामीण चौकीदार। हम पहले 7000 रुपए मिले कराते। हम हरियाणा सरकार का 24 घंटे काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट का काम करते हैं, हर विभाग का मन मोटरसाइकिल बैठा ले जाता है, जंगला में गुरुद्वारियाँ करवाते हैं, निशानदियाँ करवाते हैं। और यहाँ थोड़ी जब पोलिंग बूथ पर एजेंट आते हैं, पोलिंग बूथ पर हम इलेक्ट्रिशियन के बिना बिजली की तारा हम अपने आप लगाकर उनकी व्यवस्था करते हैं। जब बिजली की तार लगाते हुए ना किसी का करंट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी उसने जिम्मेवारी नहीं लींदा इस ग्रामीण चौकीदार की। हम इन बातों ने देखते हो, चौकीदार के साथ बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, तो इन चीजों ने देखते हो हम ये मांग पत्र देने आए हैं। अपने मनोहर लाल जी ने हमारे आश्वासन दिया था। मुख्य मांग क्या आपकी? सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पॉलिसी कर रही है हरियाणा सरकार, 5 साल जो कच्चे कर्मचारी सेवा कर रहे सरकार के, उन पॉलिसी बनाई है कि उस पॉलिसी के मुताबिक ही ना पक्के करांगे। हम तो हमारे तो माँ बाप बुजुर्ग भी अंग्रेजों थोड़ी सरकार की सेवा करते रहे 20-20 साल हो गए, हमने भी उस पॉलिसी में डाल ले, उस कर्मचारी वाली पॉलिसी में डाल ले। लगातार आप सड़कों पे उतर रहे हो कि सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मानती? पीछे तो मान गई थी, मनोहर लाल जी ने कह दिया था 11000 करवाए दिए थे, 14000 का आश्वासन दे दिया था। वो कह रहे भी साहब अपने सीएम साहब पर पहुंचाए देंगे हैं। हमने 28 जून तोड़ी का टाइम दे दिया सरकार ने, अगर 28 जून तोड़ी मेरे को बुला का हमारी मांगा मान ली, सहमति बन गई तो ठीक है, नहीं तो 30 जून ने कुरुक्षेत्र से पैदल यात्रा करेंगे जी, पैदल मार्च करेंगे दिल्ली के लिए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे जी, ये लिख दिया इसमें जी। पहले भी सर काफी बार प्रदर्शन किया, पहले भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ, क्या लगता है? पहले हम पैदल मार्च करी थी पानीपत में, सरकार ने समझौता कराया था, सरकार मान गई थी, हम सरकार के साथ सहमति चले गए थे। 30 अगस्त ने हमारी घोषणा कर दी थी, राखी रक्षाबंधन वाले दिन घोषणा कर दी थी सरकार ने, नहीं तो सरकार ने पहले भी 3500-7000 करे थे, 7-11 कर दिए थे, पर आज इस महंगाई के जमाने में 11000 में तो गुजारा नहीं होता जी। और 24 घंटे काम करा, रात दिन काम करे, रात में भी काम करा, रात में स्कूल में ड्यूटी आंदे, अगर स्कूल में कोई नुकसान हो जा वो भी अपनी जेब से भरा, एक्सीडेंट हो जा उसने भी कोई सरकार जिम्मेवारी नहीं लेंदी है। तो इस महंगाई के जमाने में 11000 में तो मैं गुजारा नहीं है। कहाँ से कर्मचारी पहुंचे? पूरे हरियाणा से आए हैं, 22 जिले से, पूरे हरियाणा से आए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डीसी के नाम जो है कर्मचारी ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको बता दें कि ये ग्रामीण चौकीदार है और ये अपनी मांग लेकर जो है आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि डीसी के नाम ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि पूरे हरियाणा से ग्रामीण चौकीदार जो है अपनी मांगों को लेकर करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, और इनका कहना है कि हमारी जो मांगे है वो मान ली जाती है, क्योंकि पहले भी ये प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और इनकी मांगे मान ली जाती है। इनका कहना है कि मांगे मान जरूर ली जाती है लेकिन धरातल पर वो लागू नहीं होती, जिसके चलते आज फिर से जो है करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हमसे जो है काम ज्यादा लिया जाता है लेकिन मानदेय कम दिया जाता है। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।